So in this question, what is the probability of getting a 53 Sundays in a year? Now this could be two questions, in a normal year or in a leap year. Let's try to solve both of them here. अच्छा एक चीज और ध्यान देना, probability of getting a 53 Sundays, और this question could also be asked as probability of getting a 53 Saturdays or 53 Mondays or Tuesdays or Wednesdays. The answer is going to remain same. Right, let's first understand it for if you have a standard year. In a standard year, the number of days obviously is 365. Now, what is 365 days consist of? 365 days consists of 52 weeks, right? We have 52 weeks and one remaining day. Right, 52 weeks ka matlab hai ki hamare paas 52 Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Friday, Saturday ho jayenge, right? कि मेरे पास 52 मंडे हो गए, 52 ट्यूसडे हो गए, 52 वेंसडे हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 52 थर्सडे हो गए, फ्राइडे हो गए, सैटरडे संडे हो गए. अब पूरी कहानी ये जो 53 की है, 53 सारे संडेज होने चाहिए, वो इस एक डे पे डिपेंडेंट है, इस पे निर्भर करता है. तो अब ये एक डे जो है, ये एक डे क्या हो सकता है? दिस वन डे कुड बी मंडे, और दिस कुड बी ट्यूसडे, और दिस कुड बी वेंसडे, और दिस कुड बी थर्सडे, और दिस कुड बी फ्राइडे, और दिस कुड बी सैटरडे, और दिस कुड बी संडे. दैट वन डे कुड बी वन ऑफ दीज सेवन. सो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल प्रोबेबल आउटकम्स कितने हैं? सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स उस वन डे के लिए इज इक्वल टू सेवन, राइट? बट वी वॉन्ट 53 संडेज, तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक ही है, तो राइट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू वन, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ संडे इन अ रेगुलर ईयर, और 53 संडेज इन अ रेगुलर ईयर इज इक्वल टू वन फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ सेवन. ठीक है, यू नो व्हाट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 वेंसडेज इन अ रेगुलर ईयर? 53 Wednesdays is also 1 by 7, because even in that case, I have just one favorable outcome, which is Wednesday, out of 7 total outcomes. ठीक है, तो किसी भी 53 Tuesday के लिए भी जो probability होगी in a standard year will be equal to 1 by 7. अब आते हैं हम leap year पे. Now, leap year has how many days? Leap year has 366 days, one day more than regular year. Now, these 366 days can be categorized in 52 weeks plus 2 days. तो जो मेरा 53rd Wednesday या Sunday का फंडा है वो इन दो दिनों में आ जाता है. अब ये दो दिन कौन से हो सकते हैं? ध्यान देना, ये दो दिन consecutive होंगे. ऐसा नहीं कि एक दिन Tuesday होगा, एक दिन Friday होगा. They have to be consecutive. तो consecutive से मेरा मतलब है days could be Monday and Tuesday, these two days, or it could be Tuesday and Wednesday, or it could be Wednesday and Thursday, or it could be Thursday and Friday, or it could be Friday and Saturday, or it could be Saturday and Sunday, or it could be Sunday or Monday. ये possibilities हैं, और कितने possibilities हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 possibilities हो गए. तो अगेन my number of possible outcomes is 7. Right, I have 7 possibilities, right? तो वो जो दो दिन बचे हैं 52 weeks के बाद, they could be either Monday, Tuesday or Tuesday, Wednesday or 7 like these. अब आपको चाहिए 53 Sundays. You want कि कितने cases में मेरे 53 Sundays होंगे. इसका मतलब है, देख 52 Sundays तो यहाँ पर आ गए तुम्हारे 52 weeks में, तो ये जो बाकी के दो दिन हैं उसमें से एक संडे होना चाहिए कम से कम. तो वो कहाँ पर होता है? वो मेरा ऑप्शन 6 और ऑप्शन 7 में होता है. दो केसेस है. इस केस में भी, फर्स्ट केस में भी मेरा 53rd संडे है, और इस केस में भी मेरा 53rd संडे है. तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स जो हैं, जो मुझे चाहिए, जो मेरे पसंद के हैं, वो दो हैं. So probability of getting 53 Sundays in a leap year is 2 by 7. Or for that matter,
probability of getting 53 वेंसडेज, लेट्स लुक एट कि 53 वेंसडेज कैसे मिलेंगे मुझे. 53 वेंसडेज के लिए आई नीड अ वेंसडे हियर, इट कुड आइदर बी ट्यूजडे और वेंसडे द लास्ट टू डेज, और इट कुड बी वेंसडे एंड थर्सडे. कितने पॉसिबिलिटीज है? अगेन टू पॉसिबिलिटीज. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 वेंसडेज इज ऑल्सो 2/7. इन फैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूजडेज इफ यू लुक केयरफुली इज ऑल्सो 2/7. हाउ? तो या तो ये केस हो सकता है ट्यूजडे वेंसडे का, या ये केस हो सकता है मंडे एंड ट्यूजडे का. तो उस केस में भी तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स जो है वो दो ही होंगे. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और एनी वीकडे फॉर दैट मैटर इज इक्वल टू 2/7. एंड इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और एनी अदर डे ऑफ द वीक इज इक्वल टू 1/7. ठीक है.